उत्तरकाशी से जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके यमुना घाटी में पुरोला, बड़कोट, नौगांव में महसूस किए गए और सुबह 3:50 पर महसूस किए गए हैं झटके। भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी के सरूताल में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है। झटके महसूस करते ही घरों से बाहर लोग निकले हैं, कोई जनहानि की सूचना नहीं। सरूताल भी जमीन के 5 किलोमीटर अंदर केंद्र रहा भूकंप का। यमुना घाटी में महसूस किए गए भूकंप के झटके सुबह 3:50 पर आया था। भूकंप रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है। उत्तरकाशी में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तड़के सुबह 3:50 पर भूकंप आया। बलवीर परमार हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ उत्तरकाशी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलवीर, बताया जा रहा है कि तड़के सुबह 3:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या जानकारी, क्या किसी तरह की जनहानि की कोई खबर? बिल्कुल, जो ये यमुना घाटी पड़ता है इसमें 3:50 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.2 थी। जैसे ही ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोग घरों से बाहर निकल गए थे सुबह सुबह और काफी देर बाहर रहे, क्योंकि अगर हम बात करें सिर्फ जनपद उत्तरकाशी की, तो जनपद उत्तरकाशी में पिछले 15 दिनों में 4 झटके महसूस किए जा चुके और ये यमुना घाटी के क्षेत्र में ही 4 झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें से 3 का केंद्र उत्तरकाशी में रहा और 1 का नेपाल में रहा है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, जिस तरह से लगातार 15 दिनों में लगातार बीच बीच में रुक रुक के भूकंप के झटके आ रहे हैं, तो चिंता का विषय लोगों में दहशत है। बिल्कुल बलवीर, और ऐसे भी उत्तरकाशी जो है काफी सेंसिटिव है भूकंप के लिहाज से, इसलिए चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और देहरादून से खबर लेते हैं, बड़ी खबर, जहां पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने टोंस और चकराता वन प्रभाग में पेड़ों के अवैध कटान के मामले में एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। दोनों जगहों पर बड़ी संख्या में काटे गए थे पेड़। विभाग के एसआईटी अब इन दोनों मामलों की जांच करेगी, साथ ही लालकुआ डिपो की भी जांच होगी और इसकी जांच पुलिस की एसआईटी करेगी। एसआईटी डिपो में हुई गड़बड़ी की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी जाएगी। तो देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने टोंस और चकराता में जिस तरह से पेड़ काटे गए, अवैध कटान किया गया, उस मामले को लेकर एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। दोनों जगहों पर बड़ी तादाद में पेड़ काटे गए हैं। विभागीय एसआईटी इन दोनों मामलों की जांच करेगी, साथ ही लालकुआ डिपो की भी जांच होगी, लेकिन इसकी जांच पुलिस करेगी, पुलिस की एसआईटी करेगी। एसआईटी डिपो में हुई गड़बड़ी की पड़ताल करेगी कि आखिर किसके कहने पर इन पेड़ों का कटान किया गया, कौन है ये लोग जिन्होंने अवैध रूप से पेड़ों का कटान किया है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब जो वन मंत्री है सुबोध उनियाल, उन्होंने टोंस और चकराता वन प्रभाग में पेड़ों की अवैध कटान के मामले में एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। दोनों जगहों पर बड़ी तादाद में पेड़ काटे गए हैं। विभाग के एसआईटी इन दोनों मामलों की जांच करेगी, साथ ही लालकुआ डिपो की भी जांच होगी, लेकिन पुलिस की एसआईटी इस मामले की जांच करेगी। उत्तराखंड में हमने देखा है किस तरह से लगातार अवैध कटान हो रहा है पेड़ों को, इसको लेकर कई बार जांच भी बिठाई गई है और अब दो जगह ऐसी है जहां पर जो वन मंत्री है सुबोध उनियाल, उन्होंने इन दोनों जगह पर जो अवैध कटान हुआ टोंस और चकराता वन प्रभाग में, उसकी जांच के लिए एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। दोनों जगहों पर बड़ी तादाद में पेड़ काटे गए थे, किसके कहने पर काटे गए, कौन थे ये लोग, कहां बेचे गए इन पेड़ों को, इन तमाम मामलों की अब विभागीय एसआईटी जांच करेगी। साथ ही साथ जो लालकुआं डिपो है वहां पर भी जांच पड़ताल होगी, इसकी जांच पुलिस की एसआईटी करने वाली है। तो टोंस और चकराता वन प्रभाग का ये पूरा मामला है जहां पर अवैध रूप से कटाई की गई है, अंधाधुन पेड़ों की कटाई उत्तराखंड में हो रही है, अवैध कटान हो रहा है, लेकिन अब तक इस पर पूरी तरह से नकेल नहीं कसा गया है। लेकिन जिस तरह से टोंस और चकराता वन प्रभाग में पेड़ों के अवैध कटान का मामला सामने आया, वहां पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अब इस पर एसआईटी जांच के आदेश दिए गए।
तो टोंस और चकराता वन प्रभाग का ये पूरा मामला है। वन मंत्री ने सख्ती दिखाई है, एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। लालकुआ डिपो में भी एसआईटी की जांच की पुलिस करेगी और इसकी जांच के आदेश भी दिए गए हैं। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, लगातार उत्तराखंड में अवैध कटान हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है और जिस तरह से अब दो जगह टोंस और चकराता उसको लेकर अब सुबोध उनियाल जो वन मंत्री है वो सख्त हुए हैं, एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। किस तरह से ये अवैध कटान हुआ और क्या कुछ अब जांच के बाद निकलने वाला है और किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी? देखिए, वन विभाग में बड़े पैमाने पर लंबे समय से अवैध कटान चल रहा था पेड़ों का और खासकर जो चकराता है ये हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर है। यहाँ पर लंबे समय से टिम्बर माफिया यहाँ पर सक्रिय रहा है। अभी जब जांच हुई थी तो इसमें करीब 4,000 से अधिक देवदार के जो अवैध स्लीपर थे वो वहाँ पर से बरामद हुए थे। इसी तरह से टोंस वन प्रभाग में भी बड़े पैमाने पर अवैध रूप से पेड़ काटे गए थे। 20 के आसपास जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड भी इस पूरे मामले में किया जा चुका है। लेकिन इस बीच जो जांच हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि इसमें बड़े पैमाने पर पूर्व में जो अधिकारी यहाँ पर है उनकी भी मिली भगत है। इसी की संभावनाओं को देखते हुए वन मंत्री ने इसमें एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। टोंस और पुरोला में दोनों मामलों की विभागीय एसआईटी जांच करेगी। इसके अलावा लाल कुआं में जो वन निगम का डिपो था यहाँ पर नीलामी में भी करोड़ों की गड़बड़ी का मामला सामने आया है कि अवैध रूप से यहाँ पर नीलामी की गई है, उसकी भी एसआईटी जांच के आदेश किए गए हैं और ये एसआईटी पुलिस की होगी। जी बिल्कुल। तो सुनील, कहा जा सकता है कि जब तक अंदर खाने किसी की मिलीभगत ना हो तब तक इस तरह से अवैध कटान इतनी भारी मात्रा में नहीं हो सकता है। अब इस पूरे मामले में एसआईटी जांच की बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और दिसंबर में होने वाले ग्लोबल समिट के लिए दिल्ली में बुधवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में रोड शो का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 19,385,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया। यह एमओयू सीएम धामी की मौजूदगी में साइन किए गए हैं। रोड शो में जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ प्रदेश में 15,000 करोड़ के निवेश को लेकर एमओयू साइन हुआ। यथार्थ हॉस्पिटल ने चिकित्सा में, डीएस ग्रुप ने फूड प्रोसेसिंग में, डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तथा रेडिशन ग्रुप ने होटल और रिजॉर्ट में रेडिशन ग्रुप ने किया है और ओबरॉय ग्रुप ने एसएलएमजी ने वेलनेस में तमाम एमओयू साइन हुए हैं। निवेश को लेकर एक बड़ी खबर उत्तराखंड के लिहाज से जिससे रोजगार भी उत्पन्न होगा। उद्योग समूह के लोग और निवेश करने वाले समूह और उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में आज मिले हैं। लगभग 400 से अधिक की संख्या सभी मिलने वालों की थी जिन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव निवेशों के यहाँ हमको प्राप्त हुए हैं और साथ में 19,000 करोड़ के लगभग आज निवेश के करार भी हुए हैं और ये हमको बहुत ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिन बड़ी कंपनियों के साथ आज हमारे निवेश के करार हुए हैं उनमें जीएसडब्ल्यू, डीएस ग्रुप, रेडिसन ग्रुप, यथार्थ हॉस्पिटल और अनेकों अन्य समूह भी उसमें शामिल रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग आदि क्षेत्रों में आज लोगों ने जो करार किए हैं और इसके अतिरिक्त हमको अनेकों प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसका हम आकलन कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से उत्तराखंड में दिसंबर महीने में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सहित राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को दिसंबर माह में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और नवम्बर में आपदा प्रबंधन पर आयोजित होने वाले छठे वैश्विक सम्मेलन में शामिल होने का अनुरोध भी किया है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, कल केंद्रीय गृह मंत्री से सीएम धामी ने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में यूसीसी कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे और इस मीटिंग में यूसीसी को लेकर भी बातचीत हुई। बागेश्वर के जीआईसी
असू में कई छात्राओं अचानक चीखने और चिल्लाने और रोने की आवाज फिर से सामने आने लगी है। यहां पर छात्राएं फिर से बेहोश होने लगी हैं। काफी देर के बाद बच्चियां ठीक हुई। इसके बाद टीचर्स ने बच्चों के अभिभावकों को बुलाया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राएं अचानक चिल्ला रही हैं, रोते हुए बेहोश हो जा रही हैं। करीब 10 से 15 छात्राएं इसी प्रकार की हरकतें कर रही हैं। इससे पहले भी पिछले साल रिखौली स्कूल में भी कई बच्चे मास हिस्टीरिया का शिकार हुए थे और एक बार फिर से ये मामला बागेश्वर में देखने को मिल रहा है। सही जा रहे हैं स्कूल में, वहाँ परेशान हो जा रहे हैं। चार पांच पांच आदमी वहाँ उनको लेने के लिए जा रहे हैं, वो भी परेशान हो जा रहे हैं। और कितने बजे की घटना है आज ये? 12-1 बजे की घटना है। मास्टर भी क्या करते हैं, वो भी बेहोश हो जा रहे हैं। सर वहाँ के कुछ होना चाहिए, कोई व्यवस्था हो जाना चाहिए, बच्चे सबके परेशान हो रहे हैं। विकास नगर के जौनसार भावर क्षेत्र के हनोल में रुद्र सेना के कार्यकर्ताओं ने साधु बनकर घूम रहे एक मुस्लिम युवक को पकड़ा है। ये साधु बनकर पूरे क्षेत्र में घूम रहा था। शक होने पर जब लोगों ने उसे पकड़ा, उसका आधार कार्ड चेक किया गया तो ये साधु के वेश में घूम रहा युवक खुशबीर निकला है, जो कि ताजीवाला यमुनानगर का रहने वाला बताया जा रहा था। जौनसार भाभर के इस क्षेत्र में करीब दर्जन भर ऐसे छद्म वेशधारी लोग पकड़े जा चुके हैं। लोगों ने यहाँ पर घूम रहे बाहरी लोगों के सत्यापन की मांग उठाई है। मतलब ये है कि हम किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये लोग समाज में घूम। और रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ धाम से खबर है, जहां पर मंदिर के पुजारियों के साथ श्रद्धालुओं ने मारपीट की है। मामला मंगलवार का बताया जा रहा है। कुछ श्रद्धालु जबरन मंदिर के गर्भगृह में घुसे और पूजा अर्चना करने लगे, जिस पर पुजारियों ने लाइन में लगाकर आने को कहा। कुछ देर वो श्रद्धालु अपने दूसरे साथियों को लेकर आए और फिर सीधे पुजारियों को मारने लगे, जिससे पुजारी चोटिल हो गए, लेकिन वो श्रद्धालु वहां से भाग निकले। तुंगनाथ धाम में नेटवर्क की दिक्कत होने की वजह से बुधवार को पुजारियों ने ऊखीमठ थाने में पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। केदारनाथ में दर्शनों को लेकर कुछ श्रद्धालु आपस में उलझते हुए नजर आए हैं। दरअसल तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि मंदिर समिति पैसे लेकर गर्भगृह के वीआईपी दर्शन करा रही है और जो श्रद्धालु घंटों लाइन में खड़े हैं उन्हें सिर्फ बाहर से दर्शन कराए जा रहे हैं, जो कि गलत है। वहीं दर्शनों को लेकर कई श्रद्धालु आपस में भिड़ते भी नजर आए। मंदिर समिति के 100 रुपए के पर्ची दे रहे हैं, 300 रुपए के पर्ची दे रहे हैं, वीआईपी बना रहे हैं, उनको तो गर्भगृह में भेज रहे हैं, लेकिन 2 बजे रात से जो तीर्थ यात्री खड़ा है बर्फ में, पानी में, ठंड में, जो ये सब चीज लेके बड़ी तपस्या कर रहा है बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, उसको जो है बाहर से दर्शन करा रहे हैं और वीआईपी पैसा लेकर के वीआईपी बना रहे हैं, उनको गर्भगृह में दर्शन करा रहे हैं। और उत्तरकाशी के चिल्यारी सौंठ ब्लॉक के दिचली वार्ड में आज पंचायत सदस्य का उपचुनाव होना है। इसके लिए 22 मतदान केंद्रों के लिए मतदान पार्टी रवाना कर दी गई है। दिचली वार्ड में जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पद के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस वार्ड के 22 मतदान केंद्र पर कुल 11,312 मतदाता है। मतदान कल सुबह 8 बजे से शुरू होगा। वहीं मतगणना 7 अक्टूबर को चिल्यारी सौंठ में बनाए गए मतगणना केंद्र पर होगी। पंचायत के लिए उपचुनाव नोटिफाई हुए हैं, जिसमें दिचली वार्ड के सदस्य के लिए चुनाव किया जाएगा और इसमें कुल 2 प्रत्याशी हैं और कुल मतदान केंद्र इसमें 22 हैं और मतदान पार्टियां 26 हैं, जिसमें 4 पार्टियां आरक्षित हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में 3 रशियन जोड़े हिंदू संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का फैसला किया। अखंड परमधान आश्रम में तीनों जोड़ों ने शादी की और 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा भी किया। कुछ दिनों पहले रूस के 50 नागरिकों का दल आध्यात्मिक यात्रा पर हरिद्वार पहुंचा था। इन सभी ने यहाँ पर योग और ध्यान करके भारतीय संस्कृति को जाना। भारतीय संस्कृति से रूसी दल के 3 जोड़े इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी रचाई है। नहीं है, हमारी ओर से इतना ही है कि हम लोग चाहते हैं कि पति पत्नी रोज न बदलते रहें,
भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह करके रहें, तो इनको उससे प्रेरणा मिली है। इन्होंने संकल्प लिया है, इनको बताया है कि हमारे यहाँ शादी का मतलब फिर छोड़ना नहीं होता, हम अंतिम सांस तक ही नहीं सात जन्म तक साथ रहने का संकल्प लेते हैं। और ये सब उन्होंने सोच विचार करके ये संकल्प लिया और उन्होंने शादी करने को स्वीकार किया। जो लोग शादी कर रहे हैं तो बोल रहे थे इनको कि आशीर्वाद, हमारे कंट्री में आशीर्वाद दे रहे हैं कि सात सात जन्म साथ रहेंगे, तो लोग हंसने लगे, बोल रहे कि ये हमें बधाई दे रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर तब ये बताने लगे कि इंडिया में, भारत में लोग सात जन्म तक रहते। और रामनगर के अमन कुमार के ने राज्य स्तरीय स्कूल प्रतियोगिता में तैराकी में सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद अब उन्हें नेशनल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। अमन राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं। वहीं कोसी नदी में तैरना सीखने वाले अमन के साथ अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। आर्थिक तंगी की वजह से अमन स्विमिंग पूल का किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। स्टेट खेल का आया हूँ सर, स्विमिंग पूल सर, स्विमिंग खेल का आया हूँ। स्विमिंग के लिए मेरे को स्विमिंग पूल नहीं मिल रहा सर, तैयारी के लिए, नेशनल की तैयारी के लिए। इसकी बहुत दिक्कत पड़ रही है सर मेरे को, जिससे कि तैयारी नहीं हो पा रही है मेरी सर। नेशनल है मेरा इस बार, लेकिन तैयारी नहीं हो पा रही है सर मेरी। कोसी में जाते हैं सर, कोसी में पत्थर लगते हैं पैरों में सर, कोसी में नहीं हो पाती है सर। लेकिन अमन के सामने अभी ये समस्या है कि उनको स्विमिंग पूल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है, माँ मजदूर हैं, पिता है नहीं, और इस तरह की स्थिति नहीं है कि स्विमिंग पूल कहीं पर वो किराए पर ले सकें, किराए पर काम कर सकें। पीएम नरेंद्र मोदी कुमाऊं दौरे पर 11-12 अक्टूबर को आ सकते हैं और जागेश्वर धाम में भी पीएम मोदी के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए डीएम ने जिले भर के अधिकारियों के साथ जागेश्वर क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके साथ हेलीपैड और दूसरी व्यवस्थाएं भी देखी। पीएम का जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का भी कार्यक्रम बन सकता है। प्रधानमंत्री जी का संभावित कार्यक्रम 12 या 13 तारीख को जागर धाम बन रहा है, इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियाँ पूरी कर दी हैं। और प्रधानमंत्री जी के यहाँ आने से इस क्षेत्र का काफ़ी विकास होगा, सभी लोग उनका सभी से इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ के परंपरागत खेती के दाम आज आसमान छू रहे हैं। गहत, भट, मड़ुआ समेत मोटे अनाज की मांग आज तेजी से तेज हो गई है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं। पहाड़ में पहले से लोग मड़ुआ, झंगोरा, गहत, भट और पहाड़ की गड़ेरी का यूज करते आ रहे हैं। इन मोटे अनाजों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट समेत सभी पोषक तत्व होते हैं, जिससे लोगों को बीमारियां कम होती हैं। लेकिन आधुनिक चकाचौंध की दुनिया में लोगों ने मोटे अनाज से खाना खाना बंद किया तो बीमारियां भी बढ़ गईं। वैज्ञानिकों का दावा है कि मोटा अनाज यूज करने से लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं और बीमारियां भी कम होती हैं। जो मोटा अनाज बेसिकली है, इसमें कई सारे हमारे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। जैसे हमारे अगर लगाएं, हमें गहत की दाल हो गई, हमारे भट की चुटकानी हम बनाते हैं, गहत के डुबकी हम बनाते हैं, झिंगोरा की हम खीर बनाते हैं, तो इसके जो पोषक तत्व तो होते हैं, जैसे इसमें प्रोटीन्स हैं, फाइबर्स हैं और अदर जो मिनरल्स हैं, वो काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। पीएम मोदी के मिलेट्स वर्ष घोषित करने के बाद मोटे अनाजों की मांग तेजी से बढ़ी है। सांसद भी मानते हैं कि मोटा अनाज उत्पादन से किसानों की आय दुगनी होगी और पहाड़ पर रोजगार मिलेगा। खास तौर पर मोटे अनाज मिलेट्स में केमिकल का यूज नहीं करते, जिससे कि कोई भी रसायन हमारे शरीर तक नहीं पहुंचता है, इसलिए इसके प्रमोशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरा मिलट्स डे भी मनाया गया, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, स्टेट वाइज भी, नेशनल तरीके से भी और वर्ल्ड के तरीके वर्ल्ड में भी मिलट्स डे मनाया गया है। पहाड़ों में पलायन और युवाओं का खेती की तरफ रुझान नहीं होने से खेती का रकबा घट गया है। बावजूद इसके जो किसान इन मोटे अनाजों का उत्पादन कर रहे हैं, उन्हें अच्छी कीमत नहीं मिल पा रही है। जरूरत है सरकार इस ओर ध्यान दे और मोटे अनाज के उत्पादन के लिए किसान को प्रोत्साहित करे। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। देहरादून के मोहितपेट नगर में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर लिया है और लूट का सामान भी बरामद कर लिया।
चमोली में पुलिस ने देवाल पे चेकिंग के दौरान 22 साल के युवक को 1 किलो 11 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। विकासनगर में पार्किंग नहीं होने से जाम लग रहा है, पहाड़ से आ रही गाड़ियां बाजार में पार्क हो रही हैं। टेहरी में फैले कूड़े से लोग काफी परेशान हैं और नगरपालिका पर सफाई नहीं कराने का आरोप भी लग रहा है। कॉर्बी टाइगर रिजर्व की हथनी गोमती में 66 साल की उम्र में बुधवार को रिटायर कर दिया गया। इस दौरान गोमती ढिकाला में कार्यक्रम हुआ। बागेश्वर के कपकोट में वन विभाग ने ग्रामीणों के साथ ग्लेशियर रेंज में स्वच्छता अभियान चलाया और ट्रैक रूट पर फैले पॉलिथिन, प्लास्टिक और दूसरे कूड़ों को साफ किया है। जोशीमठ के जीएमबीएन गेस्ट हाउस में भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें पुलिस, जिला प्रशासन के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान शामिल हुए। बागेश्वर में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के ट्रायल चल रहे हैं। ये ट्रायल प्रक्रिया पूरे उत्तराखंड में पूरे हो चुके हैं। उधम सिंह नगर के बाजपुर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अंत्योदय परिवारों को मुफ्त गैस रिफिल सिलेंडर कार्यक्रम के तहत मुफ्त सिलेंडर का वितरण किया। जोशीमठ को लेकर 8 वैज्ञानिक संस्थानों के रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अब स्थानीय लोग जोशीमठ की सुरक्षा को लेकर सरकार से जल्द ठोस रणनीति बनाने की मांग कर रहे हैं। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें।